हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के यूट्यूबर को इतना गंदा मारा गया है, किसी बंदे ने अपने मुझे चूचा भी की है। इस कम्युनिटी छोड़ो भाई, सब फुफे चाटने वाले हैं यहाँ पे, तो मुझे सब पता है इस कम्युनिटी में गाइस। किस पे केस हुआ, किसने टूर्नामेंट फर्स्ट में हैक लगाए थे, नीरज चोर को ही देख लो भाई। अब से गाइस आपको नई एनएक्सटी मिलेगी, जिसमें मैंने जो भी 5 नाम लिए वही खेलते दिखेंगे आप लोगों को। कौन कौन सी 24 महारथी टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं स्टेट वॉरफेयर्स में। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके, जो भी चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि 83% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जिसने नहीं किया प्लीज कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते पहली न्यूज की तरफ। 3-2-1 टिप्स और GW मनी के बारे में बना ली है। तो आपको पता होगा मैंने परसों एक वीडियो अपलोड की थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि 3-2-1 टिप्स के साथ क्या हुआ है और जहां पर किसी पुलिस वाले ने उनकी कोई भी हेल्प नहीं की थी। तो इसी से रिलेटेड GW मनी परसों अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां पर वो 3-2-1 टिप्स के लिए जस्टिस की अपील करते हैं। तो चलिए आपको वो क्लिप दिखाते हैं। भाई वो बंदा मरते मरते बचा है, ये बात सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस की नहीं है भाई। देखो भाई मैं बात बोलता हूँ, पुलिस इसलिए बनाए गए हैं ताकि पुलिस को देख के हम लोगों को सेफ्टी फील हो, ऐसा लगे कि हाँ भाई हमारे ये गार्ड्स हैं, हम लोगों को ये सेफ्टी फील कराते हैं। लेकिन आज के टाइम पे आई डोंट नो व्हाई बट ऐसे पुलिस के वजह से ना पुलिस को देख के और घबराहट सा फील होता है। आप रैंडमली रोड पे चल रहे हो, पुलिस वाला दिख गया तो डर लगता है, अरे यार ये कुछ अपने को कर तो नहीं देगा। गाड़ी चला रहे हो, पुलिस वाला दिख गया तो डर लगता है, चालान ना काट दे साला, बेफालतू का रोक ना ले, ये ना कर दे वो ना कर दे। भाई पुलिस सेफ्टी के लिए है ही नहीं अपने इंडिया में। और छत्तीसगढ़ का एक कांड है और ये कांड भी सामने तब आया जब किसी यूट्यूबर के साथ ऐसा हुआ है। अब नॉर्मल सी जनता है, मेरे प्यारे भाई लोग आप लोग खुद सोचो कि रैंडमली, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके साथ ऐसा हो गया लेकिन आपके आंखों के सामने कभी ऐसा हो गया। अब वो यूट्यूबर नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, उसके पास फॉलोवर नहीं है, उसके पास पैसे की पावर नहीं है, तो वो क्या करेगा? अगर ऐसे किसी का ऐसा हो जाए तो वो क्या करेगा भाई? ना उसके बाद ऐसे फैलेगी, ना उसको कोई जस्टिस दिला पाएगा। और जस्टिस का मैं क्या बोलूं भाई, इंडिया की जुडिशरी सिस्टम को मैं कुछ कह ही नहीं सकता भाई। और जब मैं तूफान सिनेरियो एक्सप्लेन कर, अब मैं पूरे फ्री फायर कम्युनिटी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मेरे को एक बात बताओ, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, किसने इस पे आवाज उठाई है? कौन बंदा है जो सामने उठ के इस बारे में बोला है? हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के यूट्यूबर को इतना गंदा मारा गया है, किसी बंदे ने अपने मुझे चूचा भी की है? फ्री फायर कम्युनिटी डेड हो गई है, फ्री फायर गेम में ये इवेंट आया, फ्री फायर में अब ये होने वाला है, फ्री फायर इंडिया कब आने वाला है, इस बारे में तुमको सब जानना है, लेकिन अपने कम्युनिटी में ऐसा कुछ हो रहा है क्यों? वो आपका फेवरेट यूट्यूबर नहीं, इसलिए आपका फेवरेट यूट्यूबर तो कोई और है। तो अगर मेरे फेवरेट यूट्यूबर के साथ कुछ होगा तो मैं जाके आवाज उठाऊंगा। अगर आपकी ऐसी सोच है ना, आपको पता होते हुए आपने कुछ नहीं किया, तो फिर भाई आपको मैं क्या ही बोलूं भाई, कुछ नहीं बोला जा सकता आप लोगों को। बाकी देखो मैं पर्सनली पे किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, जिसको बनाना है बनाओ, जिसको नहीं बनाना है कोई दिक्कत नहीं है, और प्लीज तुम लोग हेट भी मत देना। तो बाकी आपने GW मनीष का रिएक्शन तो देख लिया होगा। तो बाकी उन्होंने इस वीडियो में भी बताया था कि उनकी हेल्थ पहले से काफी बेटर है। तो बाकी आप लोग ये प्रे करेंगे कि उनकी हेल्थ पूरी तरीके से बेटर हो जाए। और बाकी इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। और बाकी आप लोग 3-2-1 टिप्स की हेल्प करना चाहते हैं तो मैंने उनकी वीडियो की लिंक और ट्विटर की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप जाके वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं उनकी। तो चलिए बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। गेमर एक्स मानना के बारे में बना लिया। तो तेन ग्रेजुएट गेमर परसों अपने चैनल पर लाइव कर रहे होते हैं जहाँ पर वो रिएक्ट करते हुए बताते हैं कि उन्होंने कुछ सालों से कोई भी बैटिंग ऐप का प्रमोशन नहीं किया है, लेकिन वो आने वाले टाइम में बैटिंग ऐप का प्रमोशन करने का सोच रहे हैं, जहाँ पर वो इस टॉपिक से रिलेटेड मानना का ओपिनियन पूछते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मानने का क्या रिएक्शन होता है और वहाँ पर फ्री फायर कम्युनिटी के यूट्यूबर्स की रियलिटी से रिलेटेड भी रिएक्ट करते हैं। तो चलिए आपको हम क्लिप दिखाते हैं। निर्भय यार पता है यार, फिर पीबी तो छोड़ दिया है, अब ऐसे भी मतलब नहीं है वो करने, मेरे बहुत बैटिंग की डील है, माना करता आ रहा हूँ इसे सालों से, कर लूँ क्या? कर लेना भाई, अब भाई कर ले, पैसा क्यों वो कर रहा है, कर भाई कर कर छाप ले, पक्का बता, देख जितना से मैं तो भाई सही बता रहा हूँ, कुछ फायदा नहीं है, सही बता रहा हूँ। मैं भी थोड़ा फंसा हुआ हूँ, मैं दिलवाऊंगा ना तुझे, क्यों टेंशन कर रहा है? मैं पिछले तू जब लखनऊ से ये ना, जब से मना करता आ रहा हूँ, नहीं करता बैटिंग, नहीं करता नहीं करता, तो भरी पड़ी है, मतलब समझ रहा है, मतलब करवा नहीं है, ले अब कर ले, कोई अच्छा बन के कुछ नहीं है भाई। अभी भी लोग क्या बोलते हैं भाई, चेस्ट प्लेयर लोकेश गेमर, अब भाई कोई ये बोलता है कि भाई वो बैटिंग करता है, ये करता है, वो करता है, कुछ होता है उसके इंस्टा पे व्यूज देख रहा है, लाइक देख रहा है, भाई कुछ नहीं होता भाई, पैसा ही सब कुछ है। मैं तो देख लिया भाई, लोगों को भी देख लिया, सबको देख लिया, लोगों की चाटने वालों को भी देख लिया, फीड भी देख लिया। एट द एंड एक दो चीजें याद रखो, पैसा मैटर करता है और एट द एंड तुम अकेले हो। चलो गाइस तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, फिर अभी लाइव पे बता दे रहा हूँ, लाइव पे डिसाइड कर लिया गाइस। मैं पिछले कुछ सालों से गाइस बैटिंग नहीं कर रहा था दोस्तों, मैं मना कर देता था ठीक है, और इतना वैसे जरूरत भी नहीं थी, अभी तो मैंने पीपी लीव कर दिया है, तो मैं अभी थोड़ा बहुत करूंगा गाइस ठीक है, क्योंकि इस कम्युनिटी में कुछ वो नहीं है कि कौन बैटिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को, देखो मतलब नहीं है अच्छा बनने का इस ना इस दुनिया में, लोग प्रेज लास्ट में उन्हीं को करते हैं जो बैटिंग कर करके करोड़ों कमा ले, पर लास्ट में गाड़ी खरीद ले, फरारी लेम्बो, अरे भाई साहब फरारी है उस पे,
उसके पास तो आ रही है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है जो इस कम्युनिटी में ज्ञान देता है ना, एक मतलब की रोस्ट करता है, चाहे मतलब वो खुद बैठा करता है। इस कम्युनिटी छोड़ो भाई, सब थुक्के चाटने वाले हैं यहाँ पे। अब ये देख लो ना, साफ साफ बताता हूँ, खुला बोल रहा हूँ, जिसको वीडियो बनाते बनाओ भाई, मेरा दिमाग खराब होता तो खुले ही बोलता हूँ। क्या तायर है, क्या कुछ नहीं किया उसने, दो नंबर के जितने भी काम होते तायर ने किए हैं, बैकग्राउंड में जाके देख लो। आज क्या है, आज क्या है? मुझे खड़ा कर दो, उसे खड़ा कर दो, अरे लोग उसको ज़्यादा इज्जत देंगे। बंदा बढ़िया है, मेरे से बात भी हुई है, बहुत बढ़िया बंदा है, मेरे को कोई हेट हेट नहीं है, बट मैं इस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। कार्डिंग वगैरह ही कह रहा है क्या तू? एक और एग्जांपल देता हूँ, नीरज चोर को ही देख लो भाई, वो तो लाइव अभी का रिसेंट अभी लाइव एग्जांपल, वो तो सुधर गया ना भाई अब। अरे घंटा सुधर गया भाई, अभी वो किसी और की वीवीआईसी आईडी से खेल रहा है, बना रहा है ऑडियंस को, वीडियो डाल रहा है, एट दैट क्या तो बना रहा है ना। मुझे भी सब पता है, देख इस कम्युनिटी में 2017 से हूं मैं, ठीक है भाई, 2030 नंबर 2017 मैं ज्ञान भाई थे ना, ज्ञान भाई से पूछना, शुरू में ज्ञान भाई के साथ खेलता था गाइस मैं, 2017-18 में, इनहिबिटर नाम की आईडी से उनकी लाइव पे देखना, ठीक है। तो मुझे सब पता है इस कम्युनिटी में गाइस, किस पे केस हुआ, किसने ग्रीन क्रिमिनल की वो ये स्कैम किया, किसने बुइया की टी शर्ट स्कैम की, किसने टूर्नामेंट फर्स्ट में हैक लगाए थे, याद है ना तुझे? हाँ आज के कुछ है गाइस सब पता है, लेकिन यार छोड़ो, मैं तो बस अपनी बात बता रहा था, मानिए भाई दिल की बात निकालने लग गया, ठीक है। अब नए जो बच्चे होते हैं 2021-22 के, उनको पता ही नहीं 2017-18 में क्या चल रहा है, क्या सलाह था। तो बाकी आपने अनग्रेजुएट गेमर और एक्समैन का रिएक्शन तो देख लिया होगा, तो बाकी इस टॉपिक पर आपके ओपिनियन है, आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ता है न्यूज़ की तरफ, तो तुम्हारी क्लासिक के बारे में बना लिए, सोता है क्लासिक परसों अपने सेकंड चैनल पे लाइव आते हैं, जहां पर वो रिएक्ट करते हुए बताते हैं कि आपसे आपका नेक्स्ट ईयर न्यू लाइनअप देखने को मिलेगी, जहां पर इस लाइनअप पे आपको नेक्स्ट ईयर खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो चलिए आपको हम वो क्लिप दिखाते हैं, नई लाइनअप क्या रहने वाली है, मेन 5 प्लेयर हम रहेंगे गाइस, आपको बता देता हूं, आप पूछने तो वाले हो नहीं, तो गाइस मेन 5 प्लेयर रहने वाले हैं मैं, मैक्सा, रैप, रियान और ब्रॉली, ये 5 प्लेयर के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे और यही 5 प्लेयर आपको टूर्नामेंट में मिलेंगे, इससे फालतू हम कोशिश करेंगे कोई ना ही मिले, बट इन मतलब कि वर्स्ट केस अगर हमें लेना पड़ा तो देखते हैं बाद की बाद में, बट क्या भाई ना ही लेना पड़े तो बेटर है, ठीक है। अब से गाइज आपको नई एनएक्सटी मिलेगी, जिसमें मैंने जो भी 5 नाम लिए वही खेलते दिखेंगे आप लोगों को, ठीक है। ओल्ड एनएक्सटी के सारे टूर्नामेंट खत्म हो चुके हैं, अब से न्यू लाइनअप। अरी अरी गाइज अरी तो नहीं खेल पाएगा यार अभी, देखो अरे यार आ जाता है, प्रैक्टिस करने नहीं आता है, अगर वो प्रैक्टिस करने आता है तो वो क्या बोलते हैं टूर्नामेंट में नहीं आता है, तो अब वो मुश्किल ही आएगा ब्रो, मतलब अगर वैसे खेल लिया करेंगे साथ में, ठीक है। अरे ऐसा नहीं कर रही, कोई लड़ाई वड़ाई होगी, अरे के साथ भी खेल लेंगे, बट अभी वो टूर्नामेंट में कमी दिखेगा, जिस टीम के साथ हम ग्राइंड करेंगे वही टीम टूर्नामेंट में दिखने वाली है आप लोगों को, ठीक है। तो अरे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि हमें अभी इसी टीम से ग्राइंड करना है, टूर्नामेंट में भी यही टीम दिखेगी। आयरिस नहीं खेलेगा आपसे, आयरिस नहीं खेलेगा ब्रो आपसे, हेलो हेलो ब्रो नहीं खेलेगा। तो कहते अभी मैक्सा हमारी टीम से खेलने वाला है नेक्स्ट ही से, मैक्सा की अपनी टीम भी है, वो अलग खेलेगी और वो खेल भी रही है फिलहाल, बट मैक्सा हमारी टीम से खेलने वाला है। तो बाकी आपने क्लासिक का रिएक्शन तो देख लिया होगा, तो वैसे इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपको लगता है ये एनएक्सटी की न्यू लाइनअप बनी है वो बेस्ट है या फिर नहीं, आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ, तो मैं रॉकी नाइडर्स के बारे में बना लिए, तो आपको पता होगा रॉकी नाइडर्स ने एक न्यू स्टेट पार्क का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, जहां पर इस टूर्नामेंट में टोटल 24 टीम्स ने पार्टिसिपेट लिया है, तो वो कौन कौन सी टीम्स और इस टीम के कैप्टन कौन कौन है, तो चलिए आपको वो क्लिप दिखाते हैं। कौन कौन सी 24 महारथी टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, स्टेट वॉरफेयर में रहने वाले 24 डिफरेंट कप्तान, एक एक करके देंगे परिचय। जी हां गाइस, सबसे पहले हरियाणा के शेर, उनके साथ होगी पुनेरी पलटन, पांडी पायरेट्स, नासिक रेंजर्स से खेलेंगे इस बार होजाई के शेर, और दूसरी तरफ होंगे रॉयल चैलेंजर्स बिहार, ओ क्या यहां आरसीबी जीत पाएगी, जैगवार्स ऑफ झारखंड यहां पे ये भी है तैयार, और दूसरी तरफ गाइस आ चुके हैं मेरठ के दबंग, उनके साथ होंगे द राजस्थान पेट्रियट्स, मुंबई मराठास, जी हां गाइस इस बार यंग और स्वशबकलिंग लाइनअप के ऊपर भरोसा दिखाया है, देखते हैं इस बार ये रणनीति कामयाब रहेगी कि नहीं। बैंगलोर इन्वेडर्स बहुत ग्राइंड कर रहे हैं, क्या पता इस बार शायद इन्हीं के खाते में जाए ये ट्रॉफी, और लखनऊ गैंगस्टर्स में हर्ष काफी कॉन्फिडेंट थे कि एक बहुत ही सुनिश्चित टीम उन्होंने बनाई है, और उनके बगल में होंगे मध्य प्रदेश के लायंस, जी हां गाइस। और बात करी जाए गुजरात जायंट्स की,
तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है इस टीम के कप्तान और ओनर साहब, क्योंकि वासियो है तो मुमकिन है। और शैडो शूटर कोलिंगा वॉरियर्स से, जी हाँ गाइस, कौन भूल सकता है द डेंजरस हॉक ट्रिपल नाइन, आज बरसेंगे गरजेंगे। और डिस्क्रिप्शन में तो आप टाइमिंग देख ही चुके हैं कि किसका मैच कितने बजे होने वाले है। उसके अलावा कोची वेटियन सोनार बांग्ला कश्मीरी वाइकिंग्स और द डेंजरस टीम भेजी करेगी मुकाबला एक दूसरे से। उसके अलावा गाइस बात कर लेते हैं यहां पे दिल्ली से है बीसी की ऑक्शन की अब तक की जबरदस्त टीम। जी हां गाइस, अब तक की सबसे जबरदस्त टीम यहां पे आएगी मैदान में, दिल्ली से है बीसी। और उसके अलावा तेलंगाना के थॉर्स, ये भी डेफिनेटली सामने वालों को देना चाहेंगे शॉक। जॉय आई होम ऑक्शन में काफी फीके दिखे थे, लेकिन क्या पता कोऑर्डिनेशन इन्होंने अच्छे से सेट करी। और चंबल टाइगर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके चैट में आज जरूर चलेगा, पक्की बात है। और अंकुश द एवर हैंडसम अंकुश रिफायर आज डेफिनेटली यहां पे काफी कारगर साबित होंगे ऐसा प्रतीत होता है। बात करी जाए इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट की, तो 24 डिफरेंट टीम्स को हमने चार अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, यानी हर एक ग्रुप में छह टीमें रहने वाली है। बेस्ट ऑफ वन के मैचेस होंगे 4v4 में। जी हां गाइस, बेस्ट ऑफ वन के मैचेस होंगे 4v4 में, यानी कि हर एक टीम को अपने ग्रुप से पांचों टीमों से बेस्ट ऑफ वन के मैचेस करने हैं। पूरे ग्रुप में छह में से चार टीमें क्वालिफाई करके जाएंगी राउंड ऑफ 16 में। राउंड ऑफ 16 होगा एलिमिनेशन राउंड, जी हां गाइस, जहां पे 16 टीमें बेस्ट ऑफ थ्री के मैचेस खेलेंगे एक दूसरे के खिलाफ। अर्थात जो टीमें आपस में भिड़ेंगी उनमें से जो भी दो मैचेस जीतेगा वो क्वालिफाई करके जाएगा सीधा क्वार्टर फाइनल में, जहां बेस्ट ऑफ आठ में उनका मुकाबला होगा फिर से किसी एक टीम से बेस्ट ऑफ थ्री के फॉर्मेट में। वहां से टॉप चार क्वालिफाई करके जाएंगी सीधे सेमीफिनाले में, वहां सेमीफाइनल्स में आपस में भिड़ने के लिए मुकाबला करना पड़ेगा बेस्ट ऑफ फाइव में। और ग्रैंड फाइनल्स में, जी हां गाइस, पता नहीं कौन सी दो भाग्यशाली किस्मत वाली टीम पहुंचेगी, उनको मुकाबला करना पड़ेगा बेस्ट ऑफ सेवन के मुकाबले में। तो बाकी आपने रॉकी नाइडर्स का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा। तो इस टूर्नामेंट में कुछ रूल्स और हैं, जैसे कि हर एक टीम में एक पीसी प्लेयर, एक स्पोर्ट प्लेयर और एक इंटरनेशनल प्लेयर खेल सकता है। मतलब स्पोर्ट प्लेयर दो भी हो सकते हैं, लेकिन पीसी प्लेयर सिर्फ एक ही अलाउ है, और एक इंटरनेशनल प्लेयर का होना कंपलसरी है। तो आपको पता होगा इस टूर्नामेंट का D1 था, जहां पर किस किस टीम्स के आपस में मैचेस थे वो भी आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि D1 में जितनी भी टीम ने पार्टिसिपेट लिया तो उस टीम से कौन कौन से प्लेयर्स खेले। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो बाकी आपने टोटल 10 टीम्स के प्लेयर्स तो देख ही लिए होंगे, और बची हुई बाकी टीम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं वो डे 2 पर पता चलेगा। तो बाकी इन सब टॉपिक्स पर आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।